एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। आप ऐसे बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह बताया मुझे कि चाइना के ट्रूप्स का पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट हो गया है। मैंने भी इस खबर को पढ़ा है और समझा है, और जितना मुझे समझ में आया मैं उसका वर्णन इस वीडियो में करूंगा। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे कि किस हिसाब से इसको समझा जाए, इस डिप्लॉयमेंट को किस हिसाब का समझा जाए, क्या पाकिस्तान पे चाइना का कब्जा होने का शुरुआत हो गया है। इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस खबर को समझते हैं। तीन चार अखबारों में इसकी खबर निकलकर सामने आई है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आई है, स्पूतनिक में भी आई है, जी न्यूज में भी आई है, और दो तीन दिन से यह खबर चल रही है। इसमें यह बताया गया है कि चाइना के एक कंटिजेंट, इसको बहुत बड़ी संख्या नहीं माना जा सकता है, हो सकता है 100, 200 या 50 की संख्या में चाइनीज ट्रूप सिंध प्रांत में उनके डिप्लॉय हुए हैं, जहां पर एक कोल माइन है। इस कोल माइन को लोकल लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि लोकल लोग ये नहीं चाहते कि इसके कोल को निकाला जाए, या वहां पर जिस हिसाब से कोल निकाली जा रही हो वहां के लोकल लोगों को प्रॉब्लम है। जैसा भारत में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, लोकल लोगों को कुछ कंपनियों से प्रॉब्लम होती है, पर यहां पर कंपनी है चाइनीज जो कि CPEC के अंतर्गत आती है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पैसा लगा हुआ है पूरा चाइना का। आपको पता है कि CPEC की पूरी रक्षा करने के लिए लगभग 3,000 किलोमीटर के पूरे जो पूरा परिपथ बना हुआ है उसमें रक्षा करने के लिए पाकिस्तानी ट्रूप को डिप्लॉय किया गया है। इनकी संख्या लगभग 17,000 की बताई जाती है, और इसमें से 3,000 लोग उनके स्पेशल फोर्सेस के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे परिपथ को सिक्योर करने के लिए कितना खर्च कर रहा है। आपको यह भी पता होगा कि बलूचिस्तान में भी CPEC की कड़ी गई हुई है, और वहां पर भी लोकल लोगों का इसको विरोध का सामना करना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यह गया हुआ है, यानी कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को लगभग लगभग इसने कवर किया हुआ है। तो लोकल लोगों के विरोध को पाकिस्तानी सेना नहीं रोक पा रही थी, और उससे चाइना खुश नहीं था जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही थी। हम लोगों ने यह भी कई बार सुना है कि चाइनीज लोग वहां पर जो काम कर रहे हैं, इसका आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे CPEC में मैक्सिमम चाइनीज लोग काम कर रहे हैं, या पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया गया है कि उनको डेवलपमेंट मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, पर मैक्सिमम रोजगार चाइनीज लोगों को मिला हुआ है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो चाइनीज है, और जो इसमें सीमेंट सरिया और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सारी चीजें, सारी कंपनियां चाइनीज हैं, इसलिए पूरा का पूरा फायदा उनको जा रहा है। चाइनीज का कंसर्न यह है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं को ले लें या लोकल लोगों के विरोध को ले लें। इसलिए उसने कहा है कि हम अपने खुद के सिक्योरिटी फोर्सेस इस कोल माइन के आसपास लगाएंगे। अब यहां से किस चीज की शुरुआत आपको समझ में आती है, जब अंग्रेजों का राज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में था, तब अंग्रेज भी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी सेना डिप्लॉय कर दी, और सेना डिप्लॉय करने के बाद उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। कुछ इसी प्रकार की यहां पर भी चीज हो रही है। चाइना ने पहले तो उनके राजनीतिज्ञों को खरीदा और घूस पानी देके वहां पर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लिया। अब प्रोजेक्ट में लगभग $46 बिलियन जो आकलन किया गया था उससे बढ़ के $62 बिलियन तक खर्च हो चुके हैं, और इतना पैसा कोई भी देश अपना जाया नहीं जाने देगा। इसलिए उसने कहा है पाकिस्तानियों से कि आप हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। अब उन्होंने ट्रूप डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। इसको आप पाकिस्तान में चाइना के मिलिट्री बेस की तरह से भी समझ सकते हैं, पर कोई भी देश जो कि अपने होशो आवास में होगा वो किसी भी दूसरे देश की आर्मी को इस प्रकार की सिक्योरिटी के लिए अलाउ नहीं किया है, पर पाकिस्तान के होश हो चुके हैं गुल, और वो इस प्रकार की चीजों के लिए अब चाइनीज ट्रूप का सहारा ले रहा है। यहां पर एक भारतीय एंगल भी यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। आपको पता होगा एयर स्ट्राइक हमने जो की वो 50 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के की थी, और 90 किलोमीटर पे अभी जो ये ट्रूप डिप्लॉयमेंट हुआ है सिंध प्रांत में, थार एरिया में कहा जा रहा है कि ये डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो उसको 90 किलोमीटर का माना जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इस चीज से भी डरा हो कि जब हम 50 किलोमीटर तक घुस सकते हैं तो हम 100 और 90 किलोमीटर तक भी घुस सकते हैं, और हो सकता है कि इससे चाइना का भी कंसर्न हो। इसलिए वो चाहते हैं कि सारे सिक्योरिटी उनके हाथ में रहे और धीरे धीरे वो बढ़कर भारत बॉर्डर तक भी पहुंच जाए। BSF के कुछ जवानों ने यह भी देखा है, सीबी खबर निकलकर सामने आई है कि बॉर्डर के एरिया में भी चाइनीज ट्रूप्स की चहलकदमी होती रहती है, वहां भी उनका मूवमेंट होता रहता है, और यह सारी चीजें इंटेलिजेंस रिपोर्टों से निकलकर सामने आई हैं। तो मेरा यहां पर कुछ तीन चार ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा यहां पर ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिल रहा है। चाइना पहली बात व्यापार करने आया, दूसरी बात अब पाकिस्तान को यह सिखा रहा है कि आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, अब वो अपने ट्रूप लाएगा,
यानी कि जितना भी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बची हुई है अब वो चाइना के हाथों चढ़ जाएगी और उसके भस उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। जिस प्रकार से वो अपने देशों में करता है, किसी भी प्रकार के ह्यूमन राइट को नहीं मानता है, जहां पर उसको जो भी प्रोडक्शन करना है, जो भी खनन करना है वो करता है, चाहे कितना भी विरोध हो, कुछ उसी प्रकार की चीजें पाकिस्तान में भी होने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि भारत से थोड़ी सुरक्षा चाइनीज ट्रूप उनको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि उनको अपने सेना पर विश्वास होना कम हो गया होगा। तीसरी बात, यदि जिस देश में आप व्यापार कर रहे हैं वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस पे आपका विश्वास नहीं है तो आप वहां पे किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं वो डायरेक्ट सरकार के कॉन्टैक्ट में होती हैं और डायरेक्ट सरकार के निर्देश से ही काम कर रही होती है। यानी कि वहां पर पूरा का पूरा सरकारी फेल्योर सामने निकल कर आ रहा है, और जहां पर सरकारी फेल्योर होता है और दूसरा देश वहां पर इस तरह से डोमिनेट कर रहा है जैसे कि चाइना, तो वहां पर चाइना का कब्जा भी होना लाजमी हो जाता है। कहने को तो इस मुद्दे पे बहुत सी चीजें हैं, पर शॉर्ट में आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर चाइनीज मिलिट्री बेस की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि उन्होंने ग्वादर पोर्ट ले लिया है, कराची पोर्ट में भी उनके आवाजाही होती रहती है, उसी तरह अब यहां पर मिलिट्री बेस का स्टार्टिंग हो गई है। और वो कोई बेस इस तरह से अलग से बेस नहीं बना, वो पाकिस्तान के अंदर घुस के अब अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं को वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।